नोटबंदी के बाद जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है तो वहीं बैंक अधिकारी भी कुछ कम परेशान नहीं। धर्मनगरी हरिद्वार में बैंक के अंदर कैश ले जा रहे बैंक कर्मियों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, जिसमें एक बैंक कर्मचारी के हाथ की हड्डी टूट गई। नोटबंदी को लेकर जहां लोग परेशान हैं, वहीं बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिडकुल स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारी जब बैंक में कैशलेस लेकर जा रहे थे तो उन पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बैंक के एक अधिकारी गिर गए और गिरने के कारण उनके दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई। उन्हें बैंक के कर्मचारी भारी मशक्कत कर भीड़ में से निकाल कर अस्पताल ले गए, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सुबह आज हमारे को कैश लाने की ड्यूटी थी, कैश लेके हम आ रहे थे तो अचानक से मुझे ऐसा लगा किसी ने अटैक करा, लेकिन बंदा हम पकड़ नहीं पाए। और उसके बाद से मेरा हाथ एकदम, अभी ऑपरेट हुआ था 1 महीने पहले और मेरा हाथ उतर गया। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की नीतियों का बैंक वाले सारे पुरजोर तरह से साथ दे रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की सुरक्षा मुहैया कराना ये राज्य की जिम्मेवारी है। तो मेरा ये निवेदन है कि कृपया सवेरे के समय एटलीस्ट जब कैशियर या बैंक का स्टाफ आ रहा होता है तो हमें किसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। भीड़ 500,000 आदमी था, लेकिन उस समय फोर्स वहाँ पे सुबह कोई नहीं थी, जबकि हमने एक दिन पहले फ़ोन करा हुआ था कि पुलिस सुबह आ जाए, बट पुलिस वाले वैसे हमें पूरा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उस दिन हमें सुबह पुलिस वहाँ पर नहीं मिली। मेरा 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था तो अभी मेरा क्रिटिकल चल रहा था, मेरा भी फिजियोथेरेपी आजकल से शुरू होनी थी, लेकिन सुबह सुबह मेरे पे वहाँ पे किसी ने अटैक करा गया, मेरे को किसी ने हाथ या बहुत तेज कुछ मारा है, तो उसके बाद से फिर मेरा हाथ उतर गया। आपको बता दें कि अभी 1 महीने पहले ही बैंक अधिकारी के दाहिने हाथ का ऑपरेशन हुआ था। इस घटना से बैंक के कर्मचारी में असुरक्षा की भावना बढ़ गई और बैंक कर्मचारी भयभीत हैं। ये घटना 10 बजे के लगभग की है और जैसे वो मेरे साथ का कुल एक ब्रांच के अंदर आने लगा, पीछे से धक्का मारा, प्रशांत मल्होत्रा जैसे अंदर आने लगा पीछे से धक्का मारा एक्चुअली, और उसने चैनल खोल रहा था उसी बीच में उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि हुआ क्या, जब तक समझ आती सर तब तक तो हाथ वो लेके बैठ गया था बंदा, तब मैं उसे उठा के फटाफट बाहर ले गए और उसको फिर ट्रीटमेंट कर लिया अपना, उसे हॉस्पिटल ले गए। सर ऐसे भीड़ ने एकदम से मारा तो सर ऐसे कैसे बता सकते हैं कि किसने मारा। और कितनी भीड़ थी सुबह यहाँ पर? लगभग 600 आदमी होगा। कोई प्रोटेक्शन नहीं है सर अभी, फोन कर। बैंक कर्मचारियों ने सिडकुल थाना में इस घटना की जानकारी दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई। रजत अग्रवाल, हरिद्वार, समाचार एक्सप्रेस।